हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवांगी। आज मैं बनाने वाली हूँ रवा मावा भुजिया। बहुत ही टेस्टी और खस्ता, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मावा भुजिया बनाना शुरू करते हैं। रवा मावा भुजिया बनाने के लिए मैंने मावा को घर पर ही दूध उबालकर तैयार किया है और मैंने सामग्री ली है 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, 1/2 कटोरी घी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम, काजू, किशमिश, इलायची पाउडर, सूखा किसा हुआ नारियल, और मैंने जिस कटोरी से रवा लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा ले ली है। मावा मेरा गर्म था तो मैं उसे सबसे पहले ठंडा होने के लिए रख दूंगी, साथ ही आटा लगाकर भी रख देंगे। आटा लगाने के लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी ले लिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून ऑयल लगाने के लिए आटे में घी को मिक्स करूंगी और उसे अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर दूंगी। अब मैं 1 टेबल स्पून और घी मिक्स करूंगी, उसे भी आटे में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हम एक साथ आटे में घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में घी को मिक्स करेंगे। परफेक्ट मॉइन आटे में लगा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम एक आटे का लड्डू बनाएंगे और उसे हिलाकर देखेंगे। यदि वह टूटता नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मॉइन हमारा परफेक्ट लगा है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटे को गूंथ लेंगे। हमें आटे को पूरी के आटे से थोड़ा टाइट लगाना है। अब हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है तो इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें कढ़ाई के गर्म होते ही सूखे किसे हुए नारियल को लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक सेक लेंगे। अब हमारा नारियल सिक गया है। 1 टेबल स्पून घी गर्म करेंगे और उसमें काजू बादाम को लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे। हमारे काजू बादाम सिक गए हैं। अब हम किशमिश को भी लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। अब हम 2 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे और उसमें सूजी को मिलाएंगे और सूजी को लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। सूजी अब हमारी सिक गई है, ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो हम आटे को एक बार फिर से मसल कर गूंथ लेंगे। अब हम आटे के 2 पार्ट करेंगे, इस तरीके से लंबा करेंगे और आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब सूखी मैदा लेंगे, सूखी मैदा को लोई पर लगाएंगे और इस तरीके से गोल गोल पूड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें पूड़ियों को ज़्यादा ना पतला ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें पूड़ी को मोटा रखना है। इसी तरीके से सारी पूड़ियों को मैं पहले तैयार करके रख लूँगी। मैंने सारी पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। गुजिया में भरने के सारे मसाले ठंडे हो गए हैं तो अब मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैं सारी
चीनी का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही चीनी मिलाऊंगी। पहले मैं एक बार चीनी को टेस्ट कर लूँगी, यदि मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ी सी चीनी और मिला लूँगी। मेरे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैं थोड़ी चीनी टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी तो मैं 1 टेबल स्पून और चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल आधा कटोरी चीनी का ही इस्तेमाल किया है। गुजिया चिपकाने के लिए मैंने 1 कटोरी में पानी ले लिया है। गुजिया बनाने के लिए मैं गुजिया मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गुजिया को हाथ से बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, पर मोल्ड से बनाने से सारी गुजिया एक साइज की बनती है। आप गुजिया को जिस तरीके से मैं बनाकर दिखा रही हूँ, आप सेम उसी तरीके से बनाइए। मैं आपको एक बार फिर से गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम मोल्ड लेंगे, मोल्ड पर पूड़ी को रखेंगे और एक साइड हम पानी लगा लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून मसाला भरेंगे, मसाला हमें ज़्यादा नहीं भरना है, और फिर इसे इस तरीके से बंद कर देंगे और प्रेस कर देंगे। फिर हम मोल्ड को खोलेंगे और अब हमारी गुजिया इस तरीके से तैयार हो जाएगी। मैंने सारी गुजिया सेम इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर ली है। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। मैं ऑयल को चेक कर लेती हूँ। ऑयल गरम हो गया है तो हम सारी बनी हुई गुजियों को मीडियम फ्लेम पर डाल देंगे। जब हम गुजियों को इस तरीके से पलट लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने से गुजिया जलेंगी नहीं, साथ ही ये खस्ता बनकर तैयार होंगी। मैंने सारी गुजियों को फ्राई कर लिया है, अब मैं सर्व कर लेती हूँ। आपको हमारी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।